हे गाइस, हैप्पी दिवाली। तो कैसे हैं आप सब? और ये हमने मनाई है बहुत ही खूबसूरत सी दिवाली, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा शौक है फेस्टिवल्स का, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही है, और उस पर दिवाली तो फिर हमारा फेवरेट है। ये रंगोली मैंने ट्राई किया है गेट पर, पहली ही बार ये ट्राई किया है, और फ़िलहाल मैं रहती हूँ मुंबई में। तो ये देखिए यहाँ पे लोग कितनी खूबसूरत रंगोली बनाते हैं, भाई मैं तो फ़ैन हो गई हूँ इनकी। ये देखिए हमारे घर के बाहर ही ये लगा हुआ था, मुझे बहुत ही सुंदर लगा। हालाँकि ये रेडीमेड है, लेकिन पसंद भी तो कोई चीज़ होती है। पटाखे मेले में जाते हैं और पटाखे खरीदे हैं, काफ़ी सारे पटाखे खरीदे हैं आर्या के लिए, और हमें पता चला है कि पटाखों पर बैन है, लेकिन ठीक है यार, हमारा फेस्टिवल है, थोड़ा तो हम करेंगे ही ना। और फिर सारा ज्ञान दिवाली पे क्यों उड़ेलना है, ये एक अलग ही जंग है। रंगोली के बहुत सारे कलर्स खरीदे हैं, और आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में ये जो दिवाली का मेला लगा है, इसमें हम लोग गए हैं बुक फेयर में, और यहाँ से मैंने बुक्स खरीदी है। कुछ बुक अपने लिए खरीदी है और कुछ बुक आर्या चौधरी के लिए खरीदी है, बहुत ही सुंदर सुंदर। ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है पूरे व्लॉग का, पूरे दिन का। महाराष्ट्र में फेस्टिवल मनाने का एक अलग ही स्वैग है, मैं आपको क्या बताऊँ। सारे फेस्टिवल इतने बढ़िया मनाए जाते हैं कि बस पूछिए मत। मतलब आप ये देखिए मिठाई, मैंने इस तरह की मिठाई शायद ही पहले कभी देखी हो। ये एप्पल शेप में थी, ये पान के शेप में थी, और ये फ्लावर शेप में थी। इतनी सुंदर सुंदर मिठाई थी कि बस मुँह में पानी आ गया। तो जी मिठाई ली है हमने काफ़ी सारे दोस्तों के लिए, जितने भी लिमिटेड दोस्त हमने मुंबई में बनाए हैं। और ये बेबी आर्या हो चुकी है रेडी लक्ष्मी पूजन के लिए, और ये लक्ष्मी पूजन के लिए हमारा मंदिर भी तैयार है बिल्कुल। बेबी आर्या तो आज इतनी सुंदर लग रही है कि इसको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं। ये हमारा पूरा परिवार छोटा सा, जय हैप्पी दिवाली और जय माता दी। अभी तक नवदुर्गा का जो वाइब है वो गई नहीं है, इसलिए जय माता दी। और ये दिए जल चुके हैं, शुभ मुहूर्त है 5:30 से 7:30 के बीच में, तो हमने उसी के बीच में अपनी जो है लक्ष्मी पूजन किया है। तैयार हैं हम बिल्कुल, हमारी बालकनी कितनी सुंदर दिख रही है, और बाबा पोती का फोटो शूट किया गया है लक्ष्मी पूजन के बाद। और ये है मेरी रंगोली, जिसे मैंने पूरी तरह से ट्रिक से बनाया है, क्योंकि भाई साहब मुझे रंगोली बनानी नहीं आती है, लेकिन जहाँ चाहा वहाँ रहा। मुंबई की जान देखिए, हमारी सोसाइटी की चमक देखिए, और दिवाली का त्यौहार देखिए। मुंबई वाले मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल की जो रौनक है ना, और ये कुछ रौनक में 4 चांद लगाए हैं हमारे डेजर्ट रोज ने, जो कि बालकनी में खिल चुके हैं, और ये लगभग 15 से 20 दिन खिले ही रहेंगे। सोसाइटी में अलग अलग घरों में अलग अलग रंगोली बनी थी, तो मैंने सभी को एक साथ सूट कर लिया, क्योंकि भाई क्रिएटिविटी को तो अप्रिशिएट करना बनता है ना। ये देखिए कितने सुंदर लक्ष्मी पैर उन्होंने मंदिर तक बनाए हुए हैं, ये आइडिया भी मुझे अच्छा लगा। रंगोली भी कितनी खूबसूरत है, कितनी सफाई से बनाई गई रंगोली है, और ये भी सोसाइटी के ही एक घर की रंगोली है। तो अभी आप देखिए मुंबई की दिवाली। थोड़ी सी फुलझड़ी, चरखी चलाने, अनार चलाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं मुंबई की दिवाली देखने, और पैदल ही निकल पड़ते हैं, क्योंकि हमें देखना था कि भाई यहाँ की स्त्री और पुरुष कितने टैलेंटेड हैं, किस तरह से घर को क्रिएटिवली सजाते हैं, और कितनी खूबसूरत खूबसूरत रंगोली बनाते हैं।
अब देखिए मेरे द्वारा देखी गई अभी तक की बेस्ट रंगोली जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। डिजिटल रंगोली की बात नहीं कर रही हूँ। कितना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है, लक्ष्मी माता की मूर्ति बनाई हुई है, एक आम महिला बनाई हुई है और उसके हाथ में दिया है। कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक नई चीज़ जो शायद मुंबई में ही देखने को मिलेगी। और जी हाँ, ये है महाराज शिवाजी राजे का महल। इसकी हूबहू कॉपी इन्होंने बनाई है और ये सीमेंट और मिट्टी से बनाया गया है। और ये दिवाली से एक वीक पहले से बनना शुरू हो चुका था। हम नॉर्थ वालों को लगा कि शायद ये गोवर्धन के लिए है, लेकिन नहीं, ये तो अपने शिवाजी राजे के लिए है, महादेव भक्त के लिए है। तो चलिए छोड़े जा रही हूँ आपको आगे कुछ दिवाली की सुंदर सुंदर तस्वीरों के साथ। ब्लॉग को करती हूँ समाप्त, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसाते रहिए। हैप्पी दिवाली।